माकपा नेता सुभाष मुंडा की हत्या हुई है और यहाँ आप दृश्य देख सकते हैं कि उनके जो समर्थक हैं वो दलादली चौक पे जमे हुए हैं, कल रात से ही जमे हुए हैं। लगातार जो है एक तरफ क्राइम मीटिंग हो रही है, कैसे क्राइम को कंट्रोल किया जाए इसके लिए मंत्रालय में मुख्यमंत्री पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, लेकिन अपराधी के हौसले इतने बुलंद हैं कि लगातार वो अपनी मौजूदगी भी दर्ज करवा रहे हैं। यहां घटना हुई उसके पहले हाजी हुसैन चौक यहां से जो लगभग 2 किलोमीटर है वहां पे भी गोलियां चलाई गई थी। इनसे अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं माकपा नेता प्रकाश विप्लव है, साथ ही सुशांत जी हैं, इनसे बात करते हैं। सुशांत जी, किस तरह का पुलिसिंग को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था कि रिजल्ट आप दीजिए 15 दिन के अंदर? रिजल्ट दिए न कल शाम को, प्रशासन के रिजल्ट है ये। मुख्यमंत्री जी फेलियर, प्रशासन के काम नहीं कर पा रहे, प्रशासन कोई काम नहीं कर पा रहे हमारे राज्य में। एक के बाद एक हत्याएं हो रही, आज हमारे कॉमरेड सुभाष मुंडा को हम लोग को बीच से छीन ली है, लेकिन छीन लेने से हमें लगता है कि करीब करीब अब 24 घंटा होने जा रहे हैं, तो इसके आधार पर अभी तक क्या हुए? कुछ नहीं, किसी को अरेस्टिंग नहीं हुए। वो तो भूत नहीं तो उड़ तो नहीं गए, प्रशासन की टेक्निकल सेल काम कर रहे बोल रहे, क्या काम कर रहे देख रहे। प्रशासन अगर 24 से 48 घंटे के अंदर ना करे, हमें लगता है जनता खोज निकालेगी और प्रशासन को सपूत करेंगे कि भाई यही हत्यारा है। अब देश में राज्य में हमारे ऐसे हो गए कि भैया हत्या करने वाले भाग जाते, हत्यारों को पकड़ने के लिए भी जिनकी हत्याएं हैं उनकी लोग ही पकड़ के सपूत करें। तो इनका साफ तौर से कहना है कि ऐसा इनको प्रतीत होता है कि खुद ही आइडेंटिफाई करना होगा हत्यारों को और उनको पकड़ के फिर पुलिस को सुपुर्द करना होगा ताकि उसका काम जो है वो आसान हो जाए। क्या लग रहा है प्रकाश जी, सेम्बलेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर पे क्या कहेंगे? लगातार जो है बैठकें हो रही हैं, रिजल्ट तो आ नहीं रहा, मुख्यमंत्री ने अल्टीमेटम भी दिया। लॉ एंड ऑर्डर तो डिटेरियोरेट किया है, लेकिन अभी इस घटना के संबंध में मुझे कहना है कि अभी उन्होंने SIT की घोषणा की है, तो उसको एक सस्पेंशन भी हुआ। हाँ, एक सस्पेंशन भी हुआ है, लेकिन वो SIT एक टाइम फ्रेम में करे ना। SIT की घोषणा, SIT 2 साल लगाएगा तो नहीं होगा, इसलिए हमारी पहली मांग है कि एक टाइम फ्रेम में, एक समय सीमा के अंदर जो है उन हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। और यहाँ की जो लोकल पुलिस है, हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पर रातू और नगड़ी दोनों का बॉर्डर है। यहाँ पर जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर PCR नगड़ी थाना का भी और रातू थाना का भी खड़ा रहता था, लेकिन उस घटना के समय दोनों नजारत थे। तो ये तो लोकल पुलिस की, जब आप कह रहे हैं कि पूरी चेकिंग हो रही है, पूरा मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप से मामला जो है आगे बढ़ा है, तो ये दोनों जो PCR क्यों नहीं वहाँ पर थे? मतलब क्या आपको क्या कुछ शंका है? शक है कुछ? शंका तो नहीं है, अब ये पुलिस का काम है, वो जांच करे। अभी हमने शंका नहीं जाहिर की है, लेकिन इसके पीछे कोई माफिया तत्वों का हाथ है, ये हम लोगों का भी मानना है। तो जांच का विषय है, पुलिस का काम है कि उसे ढूंढ निकालना चाहिए कि इस अपराध के पीछे कौन है और उसको नैब करके उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये मांग लगातार जो है यहाँ पे उठाया जा रहा है। ग्रामीण SP नौशाद आलम हमारे साथ हैं और ये दलादली चौक है ये लोकेशन जो है, यहाँ पे माकपा नेता सुभाष मुंडा की हत्या की गई है अज्ञात अपराधियों के द्वारा। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? एक SIT का गठन तो किया गया है, इनसे सीधे जानते हैं। सर, SIT का गठन किया गया है क्या? यहाँ के थाना प्रभारी को भी सस्पेंड किया गया है, कोई एक्शन हुआ है? SIT का गठन कर दिया गया है और SIT ने वहां से बहुत इम्पोर्टेंट क्लू कलेक्ट कर लिया है। FSL की टीम आ गई है, डॉग स्क्वाडेड, डॉग का ट्रैकिंग हुआ है, भागने की दिशा में कुछ इम्पोर्टेंट सुराग मिले हैं, CCTV में फुटेज कुछ आया है, वो सबको एकत्रित किया जा रहा है, कॉल डंप लिया जा रहा है। जो भी संसाधन, चाहे वो टेक्निकली हो या फिर जो है परंपरागत हमें का हो, परंपरागत का मतलब ये हो कि ओल्ड पुलिसिंग है, चूंकि सीनियर अफसर है, उन लोगों का भी इंस्ट्रक्शन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि सुभाष जी जनता का लीडर थे और इनकी सहानुभूति जो है सो अत्यधिक जनता के साथ थी और स्वतः स्फूर्त लोग जगह बजह लोगों से आ रहे हैं, उनके अंत्येष्टि में लोग शामिल होंगे, हम लोग उन्हीं लोगों का इंतजार, बहुत सारे मेहमान लोग उनके आ रहे हैं जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। एक्टिव होकर SIT काम करने लगी है। जहां तक थानेदार की बात है, उसमें कहीं न कहीं कुछ नेग्लिजेंसी देखने को मिली है और हम लोगों ने उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, पुलिस लाइन भेज दिया है, उनके जगह पर एक एक्टिव ऑफिसर को दे दिया है जो SIT में खुद हैं और वो काम शुरू कर दिए हैं। हमको लगता है कि बहुत जल्दी ही इसका उद्भेदन हो जाएगा। पब्लिक को सपोर्ट करने की जरूरत है, हमेशा सपोर्ट मिला भी है और आपके माध्यम से यही आह्वान भी करते हैं
कि जो भी कुछ क्लू मिलता है आपको फोन पे हो, चल के आके बताना हो, अलग में बताना हो, हमारे डीआई साहब इसको तमाम चीजों का मॉनिटरिंग करना है, उनसे भी डायरेक्ट लोग वन टू वन हो सकता है। धन्यवाद, थैंक यू। तो नौशाद आलम जी, इनका साफ तौर से कहना है कि पुलिस जो है वो काम कर रही है, एविडेंसेस जो है वो गैदर किया जा रहा है, चूंकि एक बड़ा जो है घटनाक्रम घटना को अंजाम दिया गया है अज्ञात अपराधियों के द्वारा। ये पूरा इलाका देख सकते हैं, लोग सड़कों पे हैं, कल रात से ही काफी आक्रोश है लोगों में, नाराजगी लोगों में देखी गई है कि जिस तरह से यहां पे सरकार अपराध कंट्रोल करने के लिए लगातार बैठके कर रहे हैं, कर रही है, और मुख्यमंत्री ने साफ तौर से इंस्ट्रक्शन दिया है कि जब सभी संसाधन जो है पुलिस के लिए, पुलिसिंग के लिए दिया गया है, तो रिजल्ट वो क्यों नहीं मिल रहा है। बावजूद इसके लगातार जो है अपराधी अपने प्रेजेंस, अपनी मौजूदगी को दर्ज करा रहे हैं। सुभाष मुंडा जिनकी जो है हत्या कर दी गई, ताबड़तोड़ 8 गोलियां मारी गई अज्ञात अपराधियों के द्वारा, जब वो अपने दफ्तर में बैठे हुए थे, सामाजिक कार्यकर्ता और नेता थे, यहां से इस विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था मांडर से, तो यहां पे देखिए लगातार जो है नारेबाजी, लोगों में आक्रोश दिख रहा है। और जब इसके कुछ दिन पहले भी अगर हम बात करें तो यहां से आधा दो किलोमीटर के आसपास जो हाजी हुसैन चौक है वहां पे भी इसी तरह की घटना को अंजाम दिया गया था, गोली चलाई गई थी, वहां पे भी गोली मारी गई थी। कल लोगों में इतना आक्रोश था कि ये पूरा दूर दूर तक देखे, जहां तक आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लोगों ने काफी जो है सड़क जाम कर दिया था, और लोग इतने आक्रोशित थे कि उस वक्त जो है कई दुकानों को आग के हवाले भी किया गया था। शराब दुकान है उसमें आग लगाई गई है, अगल बगल की जो दुकानें हैं उसको जो है उसमें उसको जो वैंडलाइज किया गया, क्योंकि लोगों में नाराजगी थी, काफी नाराजगी आक्रोश था लोगों में कि आखिर स्टेट कैपिटल जो है वहां पर अगर अपराधी अपराध को अंजाम देकर भागने में सफल हो जाता है तो आखिर ये किस तरह का पुलिसिंग है, ये जो है सवाल यहाँ के स्थानीय जो है लगातार उठा रहे हैं। यहाँ देखिए आप लोग जो है, आपको देख सकते हैं कि लोग जमा हैं, पॉपुलर चेहरा था उनका जो है सुभाष मुंडा का, उनका पॉपुलर चेहरा था। यहाँ पीछे जो दुकानें हैं उसको भी आग के हवाले की गई थी, काफी जो है उस वक्त लोग आक्रोशित थे रात में, और नाराजगी थी उनमें, उनको लगता था कि कहीं ना कहीं अपराध कर्मियों को पुलिस के तरफ से पैटर्नाइज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनको जो है सह दिया जा रहा है। और उस वक्त जब पुलिस पहुंची थी कल के घटना के बाद, तो उस समय जो है पुलिस के अधिकारियों के साथ भी तीखी नोकझोंक यहां के लोगों के, स्थानीय लोगों की हुई थी, और वो पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे, और वहां पे जो है धक्का मुक्की भी उनके साथ, पुलिस के साथ लोगों ने की थी। लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर था, यहाँ जो है आप देख सकते हैं। उसके बाद पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पे पहुंचे थे, एसएसपी, डीआईजी, तमाम लोग पहुंचे थे। बड़ा सवाल ये लोग उठा रहे हैं कि इधर सरकार जो है लगातार बैठके कर रही है, और इधर जो है लगातार जो है यहाँ पे अपराधकर्मी अपराध को अंजाम देने में सफल हो रहे हैं, तो आखिर पुलिस अगर पुलिसिंग करने का दावा कर रही है तो इस तरह की घटनाएं कैसे घट जा रही है, इसको लेकर लोग काफी आक्रोशित हैं और वो कई तरह के सवाल जो है उठा रहे हैं। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।